taken for personal use, that is drawings, goods taken for staff welfare, interest on capital. तो ये सारी एडजस्टमेंट हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ. नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट को बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकाल सके या फिर बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सके किसी भी पर्टिकुलर ईयर की. ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब सारे खर्चे सारी इनकम उस ईयर की जो होती है उसको हम लिखते हैं, देन उसको अब एक तरीके से बैलेंस वे में लिखते हैं आप, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक्रुअल कंजप्शन के बेसिस पर यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्रुअल assumption, revenue और expenses जो है वो तब record किए जाते हैं जब वो मिलते हैं या pay किए जाते हैं. ठीक है, ये accrual assumption है कि revenue और income तब लिखे जाते हैं या तब record किए जाते हैं जब वो received होते हैं या paid होते हैं. ठीक है, इन्होंने एक example दिया है. Suppose we are preparing financial statement for the accounting year 2016-17. मान लो कि हम financial statement बना रहे हैं 2016-17 की. अब हमें correct profitability निकालनी है कि हमने actual true profit क्या है और business की क्या financial position है. तो हमें सारे खर्चे सारी income उस साल के देखने पड़ेंगे और दिखाने भी पड़ेंगे final accounts. ठीक है, अगर इन्होंने जैसे बोल रखा है कि जो वेजेस हैं मार्च के 2017 के वो पेड नहीं हुए हैं, तो ये कि पहले वो वेजेस जो हैं उनको हम अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, ऐसे ही अगर कमीशन है अर्नड हुई है पर रिसीव्ड नहीं हुई उस पूरे साल में, तो जो एडजस्टमेंट है एक्रूड कमीशन की वो हम मतलब इट विल बी मेड सो दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोजर्स ये हम लिखेंगे उसमें ताकि हम ये देख सकें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक करेक्ट नेट प्रॉफिट शो करें. ठीक है, क्योंकि हमें बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी होती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. हमें सारे खर्चे इनकम देखने होते हैं उस साल के कि वो पे हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं, नहीं हुए हैं, सब कुछ देखना होता है. ऐसे ही हम जितने भी हमारे खर्चे और इनकम के आइटम्स होते हैं दूसरे ईयर के वो उसको हम निकाल देते हैं, हम केवल करंट ईयर के देखते हैं. ठीक है, इस रीजन की वजह से जितने भी एडजस्टमेंट है, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, अनअर्न इनकम हो गई, इन सबको एक्सक्लूड जनरली हम देख लेते हैं कि हमारे क्या ट्रीटमेंट दे रखी है. ठीक है, जैसे अब मैं आपको इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट कराने जा रही हूँ, मार्क करूंगी यहाँ हर वो चीज जो मैं मार्क करूंगी वो कॉपी में करनी है. इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. आपको वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी चीज की एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पे भी आ सकती है. तो जो जितना मार्क कर रही हूँ थ्योरी जरूर लिखिएगा आप अपनी कॉपी में. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का जो स्टॉक बच गया उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, यानी कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो एट द एंड स्टॉक बच गया उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. ठीक है, यहां तक आप लिख लेंगे. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को मैंने आपको बता दिया था कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तो उसकी दो जगह एंट्री होगी और अंदर दे रखा है तो एक जगह एंट्री होगी. ठीक है ना, बाहर का मतलब एडजस्टमेंट. अब क्लोजिंग स्टॉक की इन्होंने कुछ वो दे रखी है, कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ये वैल्यू किया जाता है. इन्होंने बोला इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, या तो वो कॉस्ट पर वैल्यू होता है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसको, उसमें से या कॉस्ट में से जो भी कम होता है उस पर ये क्लोजिंग स्टॉक
वैल्यूड होता है। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का 40,000, पर उसकी मार्केट प्राइस 55,000 दे रखी है। अब दोनों में से कम क्या है, 40,000 है, तो हम 40,000 को शो करेंगे, 55,000 को शो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे इन्होंने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है कॉपी में। अगर क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दे रखा है तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री हम क्या पास करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी पढ़ चुके हैं, देन टू मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको अब भी ये लिखना है। ठीक है, अब इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे बनाई है, उसके लिए इन्होंने बोला कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के या बाहर दे रखा है। ठीक है, जब बाहर दे रखा होता है तो हम उसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मानते हुए, है ना, उसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में रखते हैं। मान लो कि अगर इसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं एसेट साइड, जैसे मैंने आपको ये बताया था ट्रेडिंग अकाउंट इन्होंने दिखाया है, ठीक है ना, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट पे एसेट साइड दिखाया, ठीक है ना। तो ये भी आप बनाना कॉपी में, ताकि आपको याद रहेगा कि जब किसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, कहाँ क्या शो किया जाता है। तो ये दोनों ही बनाना, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, कि आपको पता रहेगा कि जब आउटसाइड होता है तब हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब जब इनसाइड होता है तो हम इसको क्लोजिंग एंट्री के रूप में पास करते हैं, एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, ठीक है, और परचेजेस अकाउंट से डिडक्ट करके दिखाते हैं। जैसे मैंने उसके लिए आपको एडजस्टेड परचेजेस सिखाया था, ये देखो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हमने बैलेंस शीट में दिखाया, जब हमें केवल इनसाइड दे रखा है तो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। और इसके लिए एडजस्टेड परचेजेस निकालते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका पूरा कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, उसका फॉर्मूला ये लिखवाया था मैंने, उसका क्वेश्चन भी करवाया था। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरी एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस ड्यू तो हुए पर पे नहीं हुए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वो कहना का मतलब है कि यानी कि जो जिनकी पेमेंट तो होनी है अकाउंटिंग ईयर में पर उनको पेड नहीं किया गया है अभी तक, वो खर्चे जो अभी तक ड्यू हैं पर पे नहीं हुए हैं, उनका बेनिफिट हम पूरे अकाउंटिंग ईयर में देख रहे हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। जैसे मान लो वेजेस दे रखे हैं मार्च के, वो अभी तक पे नहीं हुए हैं, तो कोई भी एंट्री पास नहीं हुई, अभी तक पास भी नहीं हुई है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है 31 मार्च को हुए हैं वो, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री या फिर आप बोल सकते हो एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि अभी ये पे नहीं हुए हैं इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग में दिखाया है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है आपकी, इसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, और लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे इन्होंने ये चीज दिखाई है, देखो वेजेस दिखा दी कि मान लो ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है और नीचे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 500 रुपए, अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इन्होंने यहाँ पर वेजेस दे रखे हैं 6,500 और आउटस्टैंडिंग 500 दे रखे हैं, इसकी इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने एक्सपेंसेस की थी एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही वेजेस की वेजेस टू आउटस्टैंडिंग, कितने आउटस्टैंडिंग है 500, लेकिन हम वेजेस अकाउंट में क्या दिखाएंगे, टू बैंक के नाम से लिखेंगे 6,500 जो इन्होंने लिख दिया, आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखेंगे 500
और बाय ट्रेडिंग के नाम से 7,000 लिखे। ठीक है, ये तो था आपका वेजेस अकाउंट। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग में क्या किया है इन्होंने, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 500 और बाय वेजेस के नाम से 5,000, यही दिखाया। ठीक है, अब इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट बताई है कैसे। ट्रेडिंग में हमने वेजेस को जब हम दिखाते हैं तो वेजेस में से आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट में हम वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से 500 रुपए से एंट्री करेंगे मात्र। ये हर एंट्री हर ट्रीटमेंट आपको कॉपी में करना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कब कौन सी किसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस है आपका, तीन ऑप्शंस हैं। दूसरे केस में उन्होंने दे रखा है वेजेस जो है वो 6,500 दे रखे, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि वेजेस जो है वो अभी तक पे नहीं हुए हैं एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 11 महीने के पे हुए हैं, ऑप्शन तीन में 1 महीने का पे हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया, यानी कि जब हमने इन्होंने पहले दिखाया कि वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब 6,600 रुपये, ठीक है, वो 11 महीने के पे हुए यानी कि 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो हमने 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड कर दिया तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो हमें पता चल गया 600 रुपये। तो हम सिंपली एंट्री कर देंगे 600 से। पहले तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करके, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे इसको तो वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से मात्र 600 रुपये से एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये तो पहला केस है जब पे नहीं हुए। ठीक है, दूसरा केस है आपका जब आपकी रेंट दे रखी है 3,000 रुपये। रेंट 3 महीने की दे रखी है, 3 क्वार्टर की दे रखी है, पे की है। अब हम उसको कैसे दिखाएंगे, रेंट को भी आप रेंट और रेंट डिवाइड करके दिखा देंगे। 3,000 टोटल रेंट है और 3 महीने की नहीं की तो डिवाइडेड बाय 3, और क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा उससे कि कितने महीने की हमारी स्टिल रिमेनिंग है, वो हम आउटस्टैंडिंग में ऐड करके दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में 1,000। ये सारी ट्रीटमेंट आप करेंगे, ये पीडीएफ में आपके साथ शो करूंगी, लेकिन आप ये सब मार्क करते चलना कि कॉपी में क्या करना है, आप ही की हेल्प होगी एग्जाम्स के टाइम में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। देखो, ये हमें ट्रायल बैलेंस देखा है रेंट का, ठीक है, रेंट की आउटस्टैंडिंग दे रखी है 3,000, ठीक है। अब हमें इन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट पे करना है पूरे साल में, टोटल अमाउंट रेंट का क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। अब रेंट तो था 9,000, ठीक है, और जो रेंट निकला आपका 3,000 आउटस्टैंडिंग है तो टोटल हो गया 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 हमें पता चल गया। एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्या पास करी, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए से, सिर्फ आउटस्टैंडिंग की करते हैं हम पास। फाइनल अकाउंट में उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का आपने एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें आपने टू रेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करके दिखाया और बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी साइड खाली रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 से दिखा दिया। तो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ये करना आना चाहिए। आप इसी तरीके से करेंगे, उसकी एंट्री भी पास करेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट भी दिखाएंगे दोनों का, ठीक है। तो ये तो था आपका सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको पहले वाले में हमने पढ़ा था आपका क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे में हमने पढ़ा था अनअर्न्ड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस भी पढ़े थे हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़े थे। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दिए। जिन एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पे कर देते हैं वो ड्यू तो नहीं हुए अभी तक, लेकिन हमने पे कर दिए उनको, ठीक है, और उनका बेनिफिट हमको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। मान लो कैसे, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, सैलरी नॉट ड्यू बट पेड, ठीक है। इसमें मार्क कर देती हूँ कॉपी में क्या लिखना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये पूरा लिखना है यहाँ तक।
एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मान लो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 12,000 का 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब दूसरे अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल को दे दिया, ठीक है, उसका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, दिसंबर में क्लोज होगा 2016 में, पर उसने पहली अप्रैल को ही दे दिया, तो इस केस में जो उस प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो हमें 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा। इसका मतलब बेनिफिट जो 3 महीने का है यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक का, वो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 3 महीने का जो है वो प्रीपेड माना जाए, ठीक है, तो आपका 3,000 क्योंकि 12,000 है, 12,000 से हमने डिवाइड किया 3 को, मतलब 3 महीने के हिसाब से निकाला ना, तो निकल आया आपका मतलब 3/12 निकाला ना हमने मंथ के हिसाब से, तो आपका आ गया आंसर 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज जब आपका आ गया तो आप जो एंट्री पास करेंगे उसमें आप प्रीपेड का अमाउंट इन्होंने दिखाया नहीं है, बट आप दिखा देना प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, और इसको आप बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जैसे उन्होंने दे रखा है कि वेजेस दे रखे हैं, है ना, ये तो जनरली वेजेस वाला केस है कि 13 महीने के नीचे तो हम कर चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम देख लेते हैं, प्रीपेड वेजेस इन्होंने बोला है, सॉरी वेजेस का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वेजेस है 13,000 दे रखे हैं आपके, ऑप्शन 3 दे रखे, पहला तो ये कि 1,000 पर मंथ, दूसरा आपका 13 महीने का पे कर दिया है, और तीसरा है आपका एडवांस में 1,000 रुपए पे कर दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के वेजेस। एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, जैसे हम उसमें आउटस्टैंडिंग में क्या करते थे, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग करते थे, प्रीपेड में प्रीपेड हमारा डेबिट हो जाता है टू वेजेस। और प्रीपेड वेजेस अकाउंट पर पे किया तो उसमें टू बैंक के नाम से 13,000 दिखा दिए, प्रीपेड वेजेस 1,000, ट्रेडिंग अकाउंट 12,000, प्रीपेड वेजेस अकाउंट बनाया तो बाय बैलेंस और टू वेजेस 1,000 से लिख दिया। ट्रेडिंग में उन्होंने टू वेजेस में से क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करते थे तो प्रीपेड वेजेस लेस करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी साइड दिखाते थे, इनको हम एसेट साइड दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे इन्होंने इंश्योरेंस का दे रखा है एक और एग्जांपल, एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है ना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप और देख लेना, एक मैंने आपको समझा दिया, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन बोला है यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है आपका, इंश्योरेंस 7,000 दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 दे रखा है, इसको भी हमें वैसे ही दिखाना है कि भी 7,000 है जिसमें से 1,000 हमने प्रीपेड कर दिया तो 6,000 बचा हमारा, 6,000 मतलब 1,000 की हम एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस के नाम से, लेकिन जब हम इसको एक्सट्रैक्ट में दिखाएंगे तो टू इंश्योरेंस में लेस करके दिखाएंगे 1,000 रुपये, और बैलेंस शीट में हम उसको प्रीपेड इंश्योरेंस में 1,000 से एंट्री कर मतलब अमाउंट लिख दें। तो ये तो था आपका केस 3 तक, मैंने आपको केस 3 और 3 एडजस्टमेंट जो है वो मैंने आपको समझा दी है। चौथी एडजस्टमेंट है आपकी एक्रूड इनकम की या फिर इनकम ड्यू पर मिली नहीं है, जैसे मान लो फर्म ने 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसकी फेस वैल्यू 20,000 थी 1 अक्टूबर 2016 को खरीदे, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो तो ड्यू हुआ बॉन्ड पे वो तो 600 हो गया, 20,000 का 12% 3 महीने के हिसाब से निकाल दिए क्योंकि 1 अक्टूबर दे रखा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो फर्म को केवल 500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और जो बैलेंस है 100 रुपये उसको एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो एक्रूड इनकम को डेबिट किया टू इनकम, सौ रुपये से, ठीक है,
हम इसको इनकम में शो करते हैं, अमाउंट में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और एसेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट के। जैसे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कमीशन हमें 5,000 दे रखी है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इन्होंने कुछ अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं कि कमीशन हमें 100 रुपये 10 महीने की मिली, ठीक है, या तो कमीशन हमें 500 पर मंथ मिली, या एक्रूड कमीशन 1,000 रुपये मिले, या कमीशन ड्यू हुई पर रिसीव नहीं हुई 1,000 रुपये की। कुछ भी मान लो, एनीथिंग, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं ऑप्शन। इस बता रही हूँ एग्जाम्पल्स की पीडीएफ शेयर होगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि अगर ऐसा भी दे रखा है तो हम कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो आप 1,000 से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एक्रूड कमीशन टू कमीशन अकाउंट। और उसको आप कमीशन अकाउंट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000, बाय बैंक में 5,000 और 1,000 एक्रूड कमीशन के नाम से। जब एक्रूड कमीशन अकाउंट बनाएंगे तो टू कमीशन और बाय बैलेंस लिख देंगे केवल। लेकिन जब इसकी ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप बाय साइड दिखाएंगे बाय कमीशन 5,000, उसमें ऐड करेंगे एक्रूड कमीशन 1,000, और बैलेंस शीट में एक्रूड कमीशन एसेट साइड दिखाएंगे 1,000 रुपये, ठीक है। इसी के साथ आपके और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आप खुद से देख लेंगे। मुझे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया है, अब आप वो करने की कोशिश खुद से करेंगे। पांचवा है आपका अन अर्न इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सब एक जैसे। अन अर्न है तो अन अर्न को हम क्रेडिट कर देते हैं इनकम टू अन अर्न इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग में करते थे क्योंकि वो अर्न नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कमीशन दे रखी है 3,000 रुपये, ठीक है, हमें अर्न नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, कुछ परसेंटेज दे रखी है 1,000 नहीं हुई, या फिर मान लो 33% कमीशन एडवांस में मिल गई है, रिसीव्ड हुई पर अर्न नहीं की हमने, हमने अर्न नहीं की पर हमें मिल गई है। अन अर्न का मतलब होता है इनकम हमने अर्न नहीं की लेकिन हमें रिसीव्ड हो गई है, यानी कि कमीशन जो है आपका 1,000 है जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, उसको हम कमीशन रिसीव्ड में से डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंट्री आप पास करेंगे कमीशन टू अर्न अर्न कमीशन 1,000 रुपये से। कमीशन अकाउंट और अर्न अर्न कमीशन अकाउंट तो आप बना लेंगे, इसको फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट इसकी आप प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कमीशन 3,000 से करेंगे, और अर्न अर्न कमीशन को लेस करके दिखाएंगे बाय साइड में ही। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे अर्न अर्न कमीशन 1,000 रुपये से। ठीक है, और इसी के कुछ नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं, सारे एक जैसे ऑलमोस्ट चीजें, अर्न अर्न हुई, आउटस्टैंडिंग हुई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी जितने अभी हमने ऊपर किए। ट्रायल बैलेंस दे रखा है संजीव एंड कंपनी का 31 दिसंबर 2016 का, जिसमें सैलरीज दे रखी है, कमीशन दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस दे रखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये सब हमें दे रखा है। इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में इनको दिखाना है। तो जर्नल एंट्री तो आप पास कर लेंगे, सैलरीज का, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कमीशन का अर्न अर्न कमीशन के साथ, प्रीपेड इंश्योरेंस का इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ, और एक्रूड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट के साथ। उसको आप बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे अपने तरीके से, एक्सट्रैक्ट में। मैंने यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पर शो कर रखा है एक्सट्रैक्ट का, कि सैलरीज के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड कर ली, इंश्योरेंस के साथ लेस करके दिखाया प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय साइड क्योंकि कमीशन है आपका उसमें से अर्न अर्न कमीशन लेस करके दिखाया, और बाय इंटरेस्ट में से एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करके दिखाया। बैलेंस शीट में एसेट साइड है आपका प्रीपेड और एक्रूड, और लायबिलिटी साइड है आपका आउटस्टैंडिंग और अर्न अर्न।
ठीक है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन का किया है। डेप्रिसिएशन का मतलब तो आप जानते हैं कि एसेट की, फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल यूज करने पे हो या टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से, बहुत लंबे टाइम से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें गिरावट आ जाना, किसी भी एसेट में, किसी भी फिक्स एसेट में गिरावट आ जाना। जैसे इन्होंने बोल रखा है एडजस्टिंग एंट्री दे रखी है डेप्रिसिएशन की, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो, यानी कि डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन टू एसेट के नाम से एंट्री करते हैं, ठीक है, और जब हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन करते हैं। जब प्रोविजन डेप्रिसिएशन का मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, और जब उसी अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है कि डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड, है ना, और बैलेंस शीट में से जो भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट है उसमें से लेस करके दिखाते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो मशीनरी दे रखी है 50,000 की, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डेप्रिशिएट करो मशीनरी को 10%। अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है आपकी, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन मशीन टू मशीनरी अकाउंट हो गया हमारा, 5,000 कैसे निकाला, 50,000 पे 10% 5,000, उसको हमने कैसे शो किया प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा दिया 5,000 रुपए, और बैलेंस शीट में देखिए मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया 45,000, ठीक है। ऐसे ही हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। तो ये तो थे आपके कुछ 6 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ 6 एडजस्टमेंट डिस्कस की है, ठीक है, और यही एडजस्टमेंट जब साथ में आती है तब हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दे रखा है हमें बनाना है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो आप बना लेंगे, जो भी दे रखा है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा दे रखा है, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड दे रखी है 10%, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिखाया 10% दे रखी है डेप्रिसिएशन, तो वो दिखाएंगे आप, पहले तो आप ट्रेडिंग बना लेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन पेटेंट्स पे दे रखा है वो दिखाएंगे, और सैलरीज अमाउंटिंग 4,000 जो है वो अनपेड है, अनपेड सैलरीज है तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड करके दिखाएंगे यहाँ पे। ये चारों एडजस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने दिखा दी है, एक हो गई आपकी वहां पर क्लोजिंग की और 3 हो गई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की। बैलेंस शीट में क्लोजिंग दिखा दिया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, वो लिख लिया हमने, उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन था फिक्स एसेट्स का वो हमने लेस करके दिखाया अमाउंट में से, ठीक है ना, और सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी वो हमने लायबिलिटी साइड कर दी। इस तरीके से आपके मेरे आज के टॉपिक खत्म हुए अकाउंट्स के।